हेलो दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिर पैर वाले प्रश्न सॉल्व करेंगे, यानी हमने इस वीडियो में एक ही प्रश्न लिया है। एक ही प्रश्न से इस तरीके से कहीं पर भी प्रश्न आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मोहन की एक पशुधन डेयरी है, ठीक है। उसमें कुछ मुर्गी तथा बकरी हैं, कुल मिलाकर 77 सिर हैं और 224 पैर हैं। बकरियों की कुल संख्या बतानी है, क्या होगी? देखिए, जब भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा मुर्गी, मुर्गी के पैर कितने होते हैं? दो। और यहाँ पर बकरी है तो बकरी के पैर कितने होते हैं? चार। तो यहाँ पर दो पैर वाले हैं और चार पैर वाले हैं, और इसमें पूछा भी गया है बकरियों की कुल संख्या, यानी चार पैर वाले पशुओं की बात की गई है, यानी चार पैर वाले पशु बताने हैं उनकी संख्या क्या है। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप उसे निकाल सकते हैं। देखिए, जब बात करें चार पैर वाले पशुओं की, जब भी निकालना हो चार पैर वाले पशु, ठीक है, पशुओं की संख्या, तो इसके लिए फार्मूला है L, यानी पैर तुम्हारे रहेंगे L अपॉन टू माइनस H, और H यहाँ पर रहेगा हेड यानी कि सिर, ठीक है। तो ये क्या है? सिर। और L मीन्स लेग यानी कि पैर, तो यहाँ पर पैरों की संख्या को भाग देना है दो से और यहाँ पर सिरों की संख्या को घटा देना है। तो अब यहाँ पर देखना सिर कितने हैं, तो सिर देख सकते हैं यहाँ पर, यानी हेड मिल गए और यहाँ पर मिल गए 224, ये है लेग यानी पैर। तो अब यहाँ पर हम और बात की गई थी चार पैर वाले यानी बकरियों की कुल संख्या बतानी थी, तो चार पैर वाले पशुओं के लिए फार्मूला है, ध्यान रखिएगा, एल अपॉन टू माइनस एच, एच मीन्स हो गया सिर और एल मीन्स हो गया लेग यानी कि पैर, यानी पैर को दो से भाग देना है। इससे चलिए वैल्यू रख लेते हैं, एल हमारा कितना है, यानी पैर हमारे 224, ठीक है, 224 और दो फार्मूले का हो गया, माइनस एच यानी सिर हमारे कितने हैं, 77, ठीक है, दो कम दो कटेगा, इस तरीके से कट गया और यहाँ पर दो दूनी चार, यानी 112 से अब 77 को माइनस कर देना है। जब 112 से 77 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 35। तो 35 संख्या आई है, ये है बकरियों की संख्या, तो ऑप्शन में ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पूछ लेता मुर्गियों की संख्या पूछ लेता, तो आप लोगों को पता है टोटल सिर कितने हैं, 70 यानी 77 सिर हैं। जब 77 सिर यहाँ पर टोटल हैं और 35 यहाँ पर मिल गए हमारे, क्या यहाँ पर बकरी, ठीक है, ये हो गई बकरी। अब टोटल सिर इतने हमारे हैं टोटल ऊपर के, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो 7 से 5 जाएगा बचेगा 2, और 7 से यहाँ पर 3 जाएगा तो बचेगा 4, यानी 42 जो संख्या है ये है मुर्गी, यानी मुर्गे या मुर्गी जो भी कह दो उनकी संख्या, यानी दो पैर वालों की संख्या कितनी है, 42, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, चार वाला, और टोटल से माइनस कर लेना दूसरे वाले की भी संख्या, यानी दो पैर वालों की भी संख्या आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर निकालना सीख गए होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।